बैतुला महसूद अपने वक्त के शैतानों में से सबसे बड़ा शैतान था। इसको आप TTP का फाउंडर भी कंसिडर कर सकते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज करने के लिए बैतुला महसूद ने काफ़ी काम किया है। इसने टेरर ग्रुप्स की यूनिफिकेशन के अंदर अब्दुल्ला महसूद से अपने रिश्ते को इस्तेमाल कर काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स को इन्फ्लुएंस किया, जिसके अंदर हाफिज़ गुल बहादुर वज़ीर का ग्रुप नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, बाजोड़ मोहम्मद और यहाँ तक के सवात के अंदर सूफ़ी मोहम्मद और मौलवी फजलुल्लाह, जिसको आप मुल्ला रेडियो के नाम से जानते हैं, के साथ रवाबित, ये सारे के सारा नेटवर्क जो था बैतुल्ला महसूद का बनाया हुआ था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन और शहादत के अंदर भी बैतुल्ला महसूद का ही हाथ है, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसका हाथ आगे खींच कर उसको जहन्नुम वासिल करने के लिए एक गयूर कारलानी पश्तून पहुंच चुका है। बैतुल्ला महसूद की फ़ौज के अंदर चाइल्ड सोल्जर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे और यही उसके सुसाइड बॉम्बर्स थे, और उसने इन सब ट्राइब्स के ऊपर असैसिनेशन सुसाइड बॉम्बिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा खौफ तारी किया हुआ था। लेकिन बैतुल्ला महसूद की अपनी आंखों में वो खौफ भी देखने लायक था जब उस पश्तून ने इसको गर्दन से पकड़ा। चंद सेकंड ही थे बैतुल्ला महसूद के पास उसकी शक्ल को याद करने के लिए, और शायद उसने कर भी ली हो, लेकिन बताएगा कैसे। यहाँ तो 70 से ज़्यादा TTP के ख्वारिज मरे पड़े हैं और बैतुल्ला महसूद 71वां है। कहाँ भागोगे, कहाँ छुपोगे, कहाँ छुपोगे, जहाँ भागोगे, जहाँ छुपोगे, ये हाथ तुम्हारी गर्दन दबोच ले। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और बच कर बैठे रहना इतना आसान नहीं है मेरी जान। वेलकम टू किलिंग हिकमत, द सीक्वल, द ऑडियो बुक, द स्टेटमेंट, द पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट हेट। तौबा का वक्त ख़त्म होने को आता है, अपनी आखिरी दुआएं पढ़ लीजिए।